हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं दीप्ति गुप्ता परीक्षा प्लस के परिवार में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो डिस्कस करेंगे आज सीटेट 2019 का पेपर जो 8 दिसंबर को हुआ था, उसके हम मैथ्स का पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। कल मैंने CDP का पोर्शन डिस्कस कराया था, जो कि आपने नहीं देखा है तो आप पहले उसको जाके देख लीजिए, ठीक है। इसके आगे आज हम मैथ्स का पोर्शन डिस्कस करेंगे, पूरा एक एक एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी हर एक क्वेरी सॉल्व की जाएगी। तो समय तो बहुत कम है, आपके पेपर के बहुत कम दिन बचे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम सवाल डिस्कस करते हैं, फिर बाकी बाद में डाउट्स आपके मैं ले लूँगी, ठीक है। तो पहला सवाल आपका है कि तीन ब्रांड ए बी तथा सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब देखिए, इसमें आप क्या करेंगे कि 10, 12 और 24, मतलब 10, 12 और 24 का सबसे पहले क्या लेंगे, LCM लेंगे। LCM लेने के आपके पास दो तरीके रहते हैं, एक बेसिक मेथड और दूसरा फैक्टर मेथड। तो बेसिक मेथड में आपको दोनों मेथड बताने वाली हूँ, जो आपको पसंद आए वो आप यूज़ कीजिएगा। तो 10, 12 और 24 का जब हम बेसिक से अगर मान लो LCM लेते हैं तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और 12 बार ये जाएगा, ठीक है। आगे करेंगे 2, 5 तो ऐसे ही रह जाएगा, फिर 3 बार जाएगा ये फिर से 6 बार चला जाएगा, ठीक है। फिर से 2 से करेंगे, जब तक ये 2 के फैक्टर ख़त्म नहीं हो जाएंगे हम 2 से करते रहेंगे, 5 ऐसे ही लिख देंगे, 3 लिख देंगे, फिर ये 3 बार चला जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं कि 2 से कोई भी डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए अब हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो 5 ऐसे ही लिख देंगे, 3 से 1 ये चला जाएगा, 1 ये चला जाएगा। अगला अब हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तीनों में आपका 1-1 आ गया। अब LCM में क्या करते हैं, इन सबका गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, 2 गुणा दूसरा है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इन सबका जब आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 2 4, 2 2 4 2 8 गुणा 3 5 15, 15 8 120। ये रहा आपका कौन सा, बेसिक मेथड। अच्छा, अब दूसरा फैक्टर मेथड जो रहता है वो और मैं LCM का लेने का बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि आगे इस सवाल में क्या करना है। तो फैक्टर मेथड कैसे करेंगे, यहाँ बता दे रही हूँ मैं, 10, 12 और 24, 24, ठीक है। चलिए इसका हम पहले फैक्टर्स ले लेते हैं। 10 का क्या करेंगे, मान लीजिए 2 गुणा 5 इसके फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 2 इसमें कितनी बार चला जाएगा, तो 2 गुणा इसके फैक्टर 12 के क्या रह जाएंगे, 6 रह जाएंगे, ठीक है। अब हम 24 में देखेंगे कि 2 और 6 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हमारा 2 भी आता है 6 भी आता है, तो 12 दूना 24 कर देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाई 10 तो हम पहले ऐसे ही ले रहे, ठीक है, 10 हमने ऐसे ही ले लिया। अब हम इसमें देख रहे हैं कि ये वाला 2 तो इसमें पहले से ही आ चुका है, जो कि हमने फैक्टर में बताया था 2 गुणा 5 रहेगा, ठीक है। तो जब ये वाला 2 आ गया तो ये 6 तो हमारे पास है नहीं इसमें, तो 6 हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब हम देखें कि 10 और 6 में हमारा इसमें से क्या क्या आ सकता है, 6 में से हमारा देखो 12 में से तो ये आ जाएगा, ठीक है, 12 में से 6 हमारा यहाँ आ जाएगा और ये वाला 2 इसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो जब 12 में से 6 आ जाएगा, 2 ये मिल जाएगा, तो आपका ये कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। तो अब इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 10 का 60 दूनी 120, ठीक है। अब हमने LCM तो निकाल लिया, LCM निकालने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, सवाल आपका कह रहा था कि न्यूनतम पैकेट्स कितने होने चाहिए, तीन प्रकार के न्यूनतम पैकेट्स। तो अब हमने LCM जब निकाल लिया, मान लीजिए 120 हमारा LCM आ गया, और पेन कितने तरीके के थे, कौन कौन से ब्रांड के, तीन पेन थे, जो कि 10 थे, 12 थे और 24 थे। अब हम एक एक करके तीनों को डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आ जाएगा, 120 में से 10 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 120 में से 12 डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। 120 में 24 अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आप देख लीजिए, 12, 10 और 5 आपके ऑप्शन में कहीं है,
इसमें तो है नहीं, ये गलत हो जाएगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 12, 10, 5 आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में तो बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा अगर कोई भी दिक्कत आती है। अगले क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, बड़ा वर्ग है कोई, मान लीजिए ये आपका वर्ग रहा जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं आप सबको पता होगा, तो 4 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। भाई अब हमसे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है तो हम क्या करेंगे कि बड़े वर्ग वाले एरिया का, जो बड़े वर्ग का एरिया होगा उससे छोटे वर्ग का एरिया हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि भाई 4 बराबर भागों में इसको विभाजित किया है, तो 4 बराबर भागों में आप कैसे इसको विभाजित करेंगे, जब आप एक बीच से लाइन ये खींचेंगे और एक बीच से ये लाइन खींचेंगे तो आपके 4 छोटे छोटे वर्ग बन जाएंगे, पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये और चौथा ये। अब मान लीजिए आपने अगर 20 से इसकी लाइन खींची है, ठीक है, और पूरी भुजा आपकी 4 थी, तो 20 से लाइन खींची तो आपकी ये वाली कितनी बचेगी, 2 बचेगी, और ये भी 4 थी, ये भी 20 से खींचा है तो ये कितनी बचेगी, 2 बचेगी। अब छोटे वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे आएगा, एरिया बराबर क्या होता है आप सबको पता होगा, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा आपकी 2 है तो एरिया कितना आ जाएगा, 4 वर्ग सेंटीमीटर, ये किसका आएगा, छोटे वाले का, ठीक है, और बड़े वाले का अगर हम निकालें तो कितना आएगा, बड़े वाले का निकालेंगे तो भाई बड़े वर्ग की भुजा तो 4 सेंटीमीटर थी, तो 4 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर, भुजा स्क्वायर होता है आप सबको पता है, तो 4 × 16 वर्ग सेंटीमीटर। अब इनने पूछा था कि भैया प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल हमने 4 सेंटीमीटर निकाल दिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इस सवाल में भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, या फिर अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं, या फिर अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हो सकते हैं, या एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। अब सुनिए, आप सबसे पहले तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए, सही नहीं पूछा है, बहुत सारे लोग तो यही नहीं देखते हैं, मतलब जो जो सही होता है उसी को ऑप्शन टिक करके चले आते हैं और आपका एक नंबर कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब पहला ऑप्शन हम डिस्कस करते हैं, कहते हैं कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। आप सबसे पहले देखो, सबसे बड़ी गलती लोग यहीं पे करते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सारे बच्चे 1 को अभाज्य संख्या मान लेते हैं। आप सबको पता है कि भाई अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक खुद, एक वो खुद से कटती है और दूसरा 1 से कटती है। अब सब बच्चे कहते हैं भाई ये तो 1 से भी कटता है और खुद से भी कटता है, तो ये अभाज्य संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे गलती आपकी क्या रहती है, अभाज्य संख्या की जो परिभाषा होती है वो कहती है कि, अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या कहती है कि भाई 2 फैक्टर तो होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक वर्ड यहाँ पे जुड़ा रहता है, क्या जुड़ा रहता है, ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। आप एक में देख रहे हैं कि एक ये भी है और एक ये भी है जो कि सेम है, तो आपकी एक इसीलिए अभाज्य संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, आपकी 2 होगी, क्योंकि ये 1 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा, जो कि अलग अलग है, तो इसके 2 फैक्टर हो गए जो कि अलग अलग हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ही ऑप्शन आप देख लीजिए, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, लेकिन जबकि आपका 2 कैसा है, सम संख्या है, इवन नंबर है, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इन्होंने यही पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शंस तो सही हैं, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से होती हैं, बिल्कुल सही बात है, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभी आपको बताया, ठीक है, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं, बिल्कुल सही बात है, कौन कौन सी हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 7 के बाद कौन सी आपकी आती है, 11, जिसमें 2 अंक आ जाते हैं, ठीक है, तो आपके
ये तीनों ऑप्शंस राइट हैं, एक आपका जो गलत था वही आपसे पूछा था, जो कि हो गया। अगली बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 के, ठीक है। इसमें क्या है कि वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित होनी चाहिए, ठीक है, एक भी ले रहे हैं और 10 भी ले रहे हैं, तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी, वो कौन सी है? 10 है या 100 है या 604 है या 2520 है? देखो क्या रहता है सीटेट में ना, बाय ऑप्शन आप अगर जाएंगे ना तो 70% क्वेश्चंस आप हल कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। सब लोग मैथ को बड़ा मतलब डरते हैं, एकदम मैथ है जैसे हुआ है, कुछ नहीं है मैथ यार। मतलब अभी देखना कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को करती हूँ। 1 से 10 तक पूछा है, सबसे पहले मैं बाय ऑप्शन इसको सॉल्व करूंगी, फिर आपको बेसिक मेथड बताऊंगी। 1 से 10 तक पूछा भाई, 1 से ये भी कटेगी, 10 से भी कटेगी, 1 से 10 के बीच में आपकी विषम संख्या आती कौन सी? 3 आती है, 5 आती है, ठीक है, 7 आती है। अब 10 क्या हमारा 3 से कट रहा है? भैया नहीं कट रहा, गलत कर दो। 100 में आ जाओ, 1 से कटेगी, 10 से कटेगी, 2 से कटेगी ऑब्वियसली जब 10 से कट रही, भैया 3 से कटेगी? बिल्कुल नहीं कटेगी, 100 भी 3 से नहीं कटेगा। सम संख्या है, 3 से कटेगी? नहीं कटेगी, गलत हो गया। बच्चा एक ऑप्शन लगा दो, टिक कर दो। कितना मतलब छोटा सा सवाल था, सब लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या है मैथ। थोड़ी सी समझ विकसित कीजिए, मतलब आप बहुत अच्छी चीज़ें क्वालिटी कंटेंट सीखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब मैं इसका आपको कौन सा बेसिक मेथड बताती हूँ, देखिए कैसे करेंगे इसको। बाय ऑप्शन जाएंगे, टाइम भी कम लगेगा और एकदम से अच्छे से सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बेसिक में क्या रहेगा, 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी, तो आप इसका सीधे सीधे एलसीएम ले लीजिए, 1 2 1 1 2 3 1 2 3, ठीक है। हाँ 1 2 3 4, ऐसे 10 तक एलसीएम ले लेंगे। जब आप एलसीएम लेंगे, बेसिक मेथड मैंने आपको अभी आगे वाले क्वेश्चन में बताया ही था, तो आप 1 से 10 तक का जब एलसीएम लेंगे तो 2520 आपका आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कल इसको पूरा फिर से सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहता है, देखिए। आयशा के पास केवल 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है, केवल 5 रुपए के और 10 रुपए के उसके पास सिक्के हैं, ठीक है, अच्छी बात है। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और 160 रुपए का धन है, ठीक है, सिक्कों की कुल संख्या 25 है लेकिन उसके पास टोटल जो पैसे हैं वो कितने, मतलब रुपए हैं वो कितने, 160 रुपए हैं, ठीक है। तो उसके पास 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी? पहला ऑप्शन 18 और 7, दूसरा 10 और 15, तीसरा 15 और 10, चौथा 20 और 5। अब देखो बाई ऑप्शन सबसे पहले इसको सॉल्व करूंगी, फिर आपको दूसरा तरीका बताऊंगी जो कि बेसिक होगा, ठीक है। बाय ऑप्शन कैसे सॉल्व करेंगे, ये बोल रहे हैं कि 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं और इन्होंने हमसे 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी है, ठीक है। तो हम पहले पहला वाला ऑप्शन लगा के देखते हैं, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ये 18 बता रहे हैं, तो 18 × 5 करेंगे प्लस, और 10 रुपए के सिक्के इनके पास 7 हैं अगर, तो 10 × 7 करेंगे कितना आएगा, देखिए 18 × 5 = 90, 10 और 7 = 70, और 90 और 70 कितना हो गया आपका, 160 रुपये हो गए। एक चीज़ तो आपकी बिल्कुल सॉल्व होगी कि भाई उसके पास 160 रुपये का धन है, हमारे पास भी 160 रुपये आ गए, ठीक है। अब अगली बात करेंगे कि सिक्कों की कुल संख्या 25 है, यहाँ से भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, 18 और 7 जोड़िए कितना होता है, 18 + 7 = 25, यहाँ से भी आपका क्रॉस चेक हो गया। अब हमने देखो कितनी आसानी से पहला ऑप्शन इससे ही आंसर निकाल दिया, पहला ना होता दूसरा निकल आता। बाई ऑप्शन जाएंगे ना तो बड़ी आसानी से पेपर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, बाई ऑप्शन ही आपके 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब इसका मैं बेसिक बताती हूँ आपको, बेसिक कैसे करेंगे। मान लीजिए इसके पास 5 रुपए के एक्स सिक्के हैं, कितने, 5 रुपए के एक्स सिक्के हैं, ठीक है, और 10 रुपए के इसके पास वाई सिक्के हैं, मान लिया हमने। सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 25 है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब भाई रुपए कितने हैं टोटल, 160 रुपए हैं, तो 5 रुपए के अगर x सिक्के हैं तो 5x हो जाएगा, प्लस 10 रुपए के y सिक्के हैं तो 10y हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना आपके रुपए हो गए, 160 रुपए हो गए। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, अभी आंसर आ जाएगा, यहाँ से 5x प्लस
5y = 25 × 125 होता है आपका, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे, ये कट जाएगा आपका। 10y में से 5y जब आपका जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 5y = 160 में से 125 घटा दीजिए, 10 में से 5 गए 5 और 5 में से 2 गया 3, ठीक है। y = 7 आपका आ गया। अब x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, y की वैल्यू 7 आ गई, तो x + 7 = 25 हमने सीधे यहाँ पे रखा था, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 18 सिक्के। 18 और 7 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, ठीक है। आपके दो तरीके बता दिए, एक बाय ऑप्शन, दूसरा बेसिक, जो आपको पसंद आए उसी के साथ चले जाइएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स में कुछ नहीं है, सीधे आपका सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए भाई देखो, सबसे पहले इसमें भी लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, कोई प्लस पहले कर देता है और गुणा बाद में करता है, या फिर माइनस पहले कर देता है, उसको कोई कॉन्सेप्ट का आइडिया ही नहीं रहता है। तो इसमें मैं आपको सीधे से बोर्ड मास रूल लगता है, बोर्ड मास। अच्छा, बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले भैया ब्रैकेट तोड़ो, क्या ब्रैकेट तोड़ो, फिर अगर ऑफ है क्वेश्चन में तो ऑफ वाला तोड़ो, डी से डिवाइड हो जाएगा आपका, एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, ठीक है, और ए से क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, और एस से सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें, इस वाले सवाल में ये वाला हम रूल लगाते हैं, देखना कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अभी रुको, 17.5 × 3 है, ठीक है, −21/7 − 3 × 12.5। चलिए सॉल्व करते हैं, हमने बताया बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास रूल। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई इसमें गुणा है हमारा, भाग है, माइनस है, तो हम तीनों में से सबसे पहले क्या तोड़ेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, भाई डिवाइड हमारा सबसे पहले आ रहा है, तो डिवाइड वाला हम सॉल्व कर लेंगे, 17.5 × 3 माइनस, जब 21 में 7 का भाग देंगे तो 3 बचेगा, −3 × 12.5। डिवाइड के बाद आपका क्या आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 15 हासिल 1, 3 × 7 = 21 और 1 = 22 हासिल 2, 3 × 1 = 5। 52.5 − 3 − 3 का इसमें फिर से गुणा करेंगे, 3 × 15 हासिल 1, 3 × 2 = 6 और 1 = 7, 3 × 1 = 3, ठीक है। 52.5 में से हम जब ये माइनस माइनस है ऐड हो जाएगा, आप सबको पता होगा 37.5 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40.5। 52.5 में से जब हम 40.5 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 12। अब देखना आपका आंसर, पहला गलत हो जाएगा, बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया, अगली बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। ये क्या कहता है, एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की कुल संख्या, नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है, ठीक है, आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं, यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, बाग में जो वृक्ष हैं उसमें नीम के वृक्ष कितने हैं, 1/6 हैं, ठीक है। अब मान लीजिए, देखिए हम यहाँ से कितना मतलब आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 1/6, यहाँ शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं अभी इधर लिख देती हूँ, चलिए यहाँ पे सॉल्व करती हूँ मैं, 1/6 नीम के वृक्ष हैं 1/6। अब हम यहाँ से देखिए एक चीज़ सॉल्व करते हैं कि भाई हम टोटल अगर 6 मान लें तो नीम के वृक्ष हम एक ही तो मानेंगे क्योंकि 1/6 भाग है, ठीक है, तो नीम के वृक्ष कितने हो जाएंगे, यहाँ से 1 हो जाएगा, टोटल हमने 6 मान लिए, आधे वृक्ष अशोक के हैं, अब अशोक के वृक्ष हो जाएंगे भाई आधे हैं, तो 6 में जब हम आधा करेंगे तो 3 हो जाएंगे, अशोक के वृक्ष आधे और शेष यूकेलिप्टस के हैं। अब देखिए टोटल 6 थे, नीम का 1 हो गया,
अशोक के तीन हो गए, ठीक है। यूकेलिप्टस के कितने बचेंगे यहाँ से, यूकेलिप्टस के कितने बचेंगे, तीन और एक चार हो चुके हैं, दो बचेंगे, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यदि नीम के वृक्षों की संख्या पांच है, यदि नीम के वृक्ष की संख्या पांच है, मतलब एक की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, पांच। तो क्या पूछा है इनने, बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं, यूकेलिप्टस के हमारे दो थे, जब एक की वैल्यू पांच है तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दो गुणा पांच इक्वल्स टू दस वृक्ष, ठीक है। दस आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी, होगी इसमें, बिल्कुल होनी तो नहीं चाहिए, बाकी अगर हो भी तो आप कमेंट कीजिएगा, कोई डाउट हो मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं, कहता है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 प्रस्थान करती है, ठीक है भाई, अच्छी बात है, और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 पहुंचती है, इस यात्रा का कुल समय क्या है, ठीक है। अब मतलब क्वेश्चन पढ़ के ही आधे लोग छोड़ देंगे, सोचेंगे बड़ा टफ है, जबकि कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए बताती हूँ आपको, 29 अगस्त को रेलगाड़ी चल रही है हमारी, 29 को चल रही है, हमसे 31 का समय इनने पूछा है, तो हम 29, 30 और 31 तीन डेट्स लिख लेते हैं, ठीक है। 29 अगस्त को कितने बजे चल रही है, 16:30, ठीक है। जब हम 30 अगस्त को पहुंचेंगे 16:30, तो हमारे कितने घंटे हो चुके होंगे, यहाँ से 24 घंटे तो यहीं से हो गए, ठीक है। अब देखो 31 भाई, 30 को 16:30 तो हम यहाँ पे पहुँच गए, लेकिन जब 31 का समय आएगा, रात को 12 पहुँचेंगे, तो 12 तक 16:30 से कितना हो जाएगा आपका, 12 बेसिकली 24 बजेंगे, क्योंकि ये 16:17 वाला टाइमिंग चल रहा है, ठीक है। तो 24 में से आप जब 16:30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये तो 30 बज जाएगा, और ये बचेगा आपका 7, 13 में से 6 गया 7, तो 7:30 ये हो जाएगा आपका। अब हम रात को 12 तक तो हो गया, और सुबह ये कितने बजे पहुंच रही है, 8:45 पे, तो 12 से 8:45 तक का समय कितना हो जाएगा, 8:45 यहाँ पे और जोड़ दीजिए, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिए सबको, 5, 4 और 3, 7, और 8, 7, 15, 4, 19 और 2, 1, 3, 39 घंटे 75 मिनट, 39 घंटे 75 मिनट। अब 75 मिनट से आप 60 मिनट, तो एक घंटा हो जाता है, तो आप यहाँ पे 40 घंटे कर देंगे, और बचेगा 15 मिनट, 40 घंटे 15 मिनट, आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया, अगली बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। चलिए ये मतलब ये तो हमें लगता है 90% लोग ही छोड़ देंगे इसको देख के, जबकि कुछ नहीं है, अभी आपको बताती हूँ, बस वैल्यूज आपको कंपेयर करनी है, ठीक है। तो घटते क्रम में लगाना है, सबसे पहले इसमें देखिए मिलीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर मिलीमीटर में दिया, डेसीमीटर सेंटीमीटर में दिया, मीटर में दिया है। एक आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ यहाँ से, इसमें देखिए सबसे पहले आप ये वाला याद कर लीजिए, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम सारी वैल्यूज़ को एक वैल्यू में चेंज कर लेंगे, मतलब मीटर में चेंज कर लेते हैं, फिर हम इससे कंपेयर कर लेंगे अच्छे से। तो भाई मीटर तो हमारा यहाँ है, हमें मीटर तक आना है, चाहे अब हम इधर से जाएं चाहे हम इधर से जाएं, यही हम देखेंगे कि कैसे जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाली वैल्यू को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो 8500 मिलीमीटर है, मिलीमीटर हमारा आखिरी में है, ठीक है। ये मीटर कितनी पीछे है, 3 स्थान पीछे है, तो आप जब पीछे है तो 8500 में आप 1000 का भाग ही तो देंगे, जब 1000 का जब आप भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8.5 मीटर, पहली वैल्यू आपकी मीटर में चेंज हो गई। दूसरा आपका है 800 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सेंटीमीटर हमारा ये है, मीटर हमारा ये है, कितने स्थान पीछे, 1 और 2, तो 800 सेंटीमीटर में जब मीटर में चेंज करेंगे तो 100 करेंगे, ठीक है। और ये क्या है, 8 मिलीमीटर, मिलीमीटर हमारा ये है, मीटर हमारा ये है, तो 3 स्थान पीछे है, 1, 2 और 3, तो हम 8 में कितने का भाग देंगे, 1000 का, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8+.008, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8.008। दूसरी वैल्यू आपकी सॉल्व होगी 8.008 मीटर, ठीक है। तीसरी आपकी वैल्यू क्या कहती है, 80 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। डेसीमीटर आपका कहाँ है, ये है,
एक स्थान पीछे है, तो 80 में हम किसका, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर कर देती हूँ, एक मिनट। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। 80 डेसीमीटर, तो 80 में डेसीमीटर से भाई हमारा एक ही स्थान तो पीछे है, तो हम 10 का भाग दे देंगे, प्लस 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हमारा ये है, दो स्थान पीछे है, तो 100 का भाग देंगे, तो 8 बटे जब 100 करेंगे हम, तो कितना रहेगा, ये 8 रहेगा प्लस 0.08 रहेगा, तो अगली हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8.08 मीटर। ठीक है, अगला आपका क्या है, 8 मीटर। अब हम यहाँ से घटते हुए क्रम में देखना कैसे सॉल्व कर लेते हैं। भाई हमारी सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, 8.5 मीटर। 8.5 मीटर मतलब 8500 मिलीमीटर। जब 8500 मिलीमीटर सबसे पहले स्थान पे किस ऑप्शन में है, इसमें है, ठीक है, और इसमें है। अब इन दोनों, ये वाला तो है नहीं, ये भी नहीं है, दो ऑप्शन हमने कट कर लिए। अब दो में हम वैल्यू देख लेते हैं, अभी आपका आंसर सही वाला कौन सा होगा। पहला आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरी आपकी वैल्यू कौन सी बड़ी होगी, हाँ, 8.08 मीटर। जब 8.08 मीटर बड़ी होगी, तो ये वाली वैल्यू आपकी कौन सी थी, 80 डेसीमीटर, 8 सेंटीमीटर, जो कि आपका कौन से ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में। एक ही ऑप्शन आपका बचा, ऑप्शन डी विल बी राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो चुका है। बेसिकली थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन आप दोबारा जब इसको देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम। कहता है कि एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। ठीक है, कोई मान लीजिए ये तार है जिसकी लंबाई कितनी है, 180 सेंटीमीटर। ठीक है, आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई क्या होगी। अब भाई 180 मीटर का तार था हमारा, हमने क्या बना दिया, आयत बना दिया, पूरा 180 मीटर था, तो भाई यहां से लेके ये, भाई हमने यही आयत तो बना दिया है, तो इसकी पूरे की वैल्यू कितनी होगी, 180 मीटर होगी, जो कि आपका क्या है, आयत का परिमाप होता है। आपको सबको पता है कि इसकी ये चारों चारों जब ऐड करेंगे तो आपका क्या निकलता है, आयत का परिमाप निकलता है। आपकी चौड़ाई दी है 30 सेंटीमीटर, लंबाई आपको निकालनी है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 कोष्ठक में लंबाई हमें निकालनी है, चौड़ाई हमें कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर, 180 यहाँ पे आ जाएगा, एल प्लस 30 इक्वल्स टू, 2 से जब हम यहाँ पे काटेंगे तो ये 90 बचेगा, यहाँ 90 कर देंगे, एल इक्वल्स टू 90 माइनस 30, तो एल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, पैडागॉजी सेक्शन आपका यहाँ से थोड़ा शुरू हो गया। कहते हैं कि कक्षा 11 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया, ठीक है, तो कुछ ने 404 लिखा, अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे। आपका ऑप्शन पहला कहता है कि उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिख देंगे। भाई जब आप ही सही उत्तर लिख देंगे, आप ही सीख लेंगे, तो वो क्या करेंगे वहाँ बैठ के, वो स्कूल को सीखने के लिए ही गए हैं ना, तो आपका ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। उन्हें मूर्त पदार्थ से नियम समझाएंगे, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। दूसरा देखते हैं, उनको उस समूह में रखेंगे जिन्होंने सही लिखा है। बिल्कुल गलत बात है भाई, जिसने गलत लिखा है उसे भी तो आपको समझाइए ना, उन्हें सही वाले समूह में रख के क्या मिल जाएगा। उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, आपके कहने से उनकी मेमोरी थोड़ी ना फास्ट हो जाएगी, उन्हें अगर सही करना होता तो वो पहले ही सही कर देते। तो आपका एक ऑप्शन बचता है, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनियम नियम समझाएंगे। ये कौन सा नियम होता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज होता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। भाई मूर्त पदार्थ दे के इसको क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप ना बच्चे को 44 रुपये देंगे और 404 रुपये देंगे, फिर आप उनसे कहेंगे कि भाई हमें 404 रुपये दे दीजिए, 44 आप अपने पास रख लीजिए। फिर जब वो 404 रुपये आपको दे देंगे और 44 अपने पास रखेंगे, फिर आप दोबारा उनसे कहेंगे कि अब आप हमको 44 रुपये दे दीजिए और 404 आप ले लीजिए। जब आप ऐसे कहेंगे तो बच्चा देख के समझ जाएगा कि भाई ये 44 अलग है और 404 अलग है। इससे आप बच्चे को आसानी से समझा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे कि गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है। प्रतिचित्रण मतलब मैपिंग,
ठीक है, त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल सही बात है, मैपिंग का उद्देश्य होता है। आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल सही बात है, मैपिंग का उद्देश्य होता है। विषय को सरल एवं रुचिकर बनाना, बिल्कुल गलत बात है, नहीं होता है। संख्याओं की नीरसता को समाप्त करना, बिल्कुल गलत बात है। तो आपका ए और बी विल बी राइट, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो एनसीएफ के अनुसार भाई चौपड़ पढ़ाया जाता है, सममित पढ़ाई जाती है, प्रतिरूप पढ़ाया जाता है, लेकिन रेशियो प्राइमरी लेवल पे नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, 14 कहता है कि सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले एक आयत का क्षेत्रफल, मतलब दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। अब इन्होंने बोला है पैमाना यूज करेगा या ग्राफ पेपर यूज करेगा या धागा यूज करेगा या टाइल यूज करेगा। देखिए अध्यापक ना, जो अध्यापक अगर बिना सूत्र के समझाना चाह रहा है तो वो ग्राफ पेपर को यूज कर सकता है। ग्राफ पेपर में कैसे रहता है भाई, ऐसे ही तो खाने बने रहते हैं, तो वो ऐसे कर देगा, मान लीजिए ऐसे खाने बने रहते हैं, तो एक बार वो ये वाले 6 खाने ले लेगा, तब कहेगा कि भाई इस आयत का क्षेत्रफल ये हो गया। ठीक है, फिर एक बार ये वाले 6 खाने ले लेगा, फिर बच्चों को समझाएगा कि भाई देखिए इसमें भी 6 खाने हैं बराबर बराबर बराबर, और इसमें भी 6 खाने हैं बराबर बराबर, तो आयाम ही तो चेंज कर रहा है, लेकिन वो इधर से बच्चा समझ जाएगा। और इसी प्रकार टाइल्स से भी आप समझा सकते हैं, टाइल्स भी इसी तरीके से कहीं लगे होते हैं, है कि नहीं, इसी तरह से तो लगे होते हैं। तो ऐसे आप यहाँ से एक आयत ले लेंगे, एक आयत आप मान लीजिए ऐसे वाला ले लेंगे, फिर आप बच्चों को ये ऐसे गिन के समझा देंगे, कहेंगे कि देखिए इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं और बराबर हैं, इसलिए ये सेम हो जाएंगे। तो आपका इसमें जो आयोग ने आंसर माना था वो ग्राफ पेपर और टाइल माना था, यानी कि बी और डी, जो कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, कहते हैं कि निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। पहला जेंडर हो सकता है, बिल्कुल नहीं, कहाँ लिखा है भैया कि लड़के लड़की अकेले मैथ लगा सकते हैं, या फिर ये कहाँ लिखा है कि लड़कियाँ अकेली मैथ लगा सकती हैं। जेंडर के माध्यम से मैथ का कोई भी संबंध नहीं है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। गणित का स्वरूप कैसा भी हो भाई सभी सीख सकते हैं, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, मनोवैज्ञानिक हमारे कहते हैं कि व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता हर चीज़ को सीखने की होती है। ठीक है, तो एक ऑप्शन आपका बचता है ऑप्शन नंबर बी। तो 15 डिस्कस हो गया, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। इसमें कहते हैं कि यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है। एलसीएम विधि ठीक है, समझ में आ जाएगा, लेकिन बच्चे नहीं समझ पाएंगे, ये प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं तो ये विधि समझ में आ जाएगी लेकिन उपयुक्त नहीं रहेगी, ठीक है, उन बच्चों के लिए। हाँ, कागज की पट्टियों का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, मान लीजिए एक कागज ले लेंगे वो लोग इतना बड़ा, एक कागज ले लेंगे इतना बड़ा, ठीक है। अब इसमें 4 भाग कर देंगे, इसमें 3 भाग कर देंगे, इक्वल भाग रहेंगे। इससे आसानी से बच्चे समझ जाएंगे, विजुअलाइजेशन मेथड यूज करेंगे, बच्चे देख के समझ जाएंगे कि भाई ये वाला 1/4 छोटा रहेगा क्योंकि एक कागज में बराबर इक्वल 4 भाग करे हैं और 1/3 में 3 ही भाग करे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, बिल्कुल नहीं, बुक्स को ही आप जब फॉलो करते रहेंगे तो वो कैसे समझ पाएंगे, और वैसे भी गणित तो अभ्यास का विषय है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे गणित आपको उतनी आएगी। गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, आपके प्रस्तुत करने से उन्हें गणित नहीं आ जाएगी। विद्यार्थियों को अवसर देना, अभी मैं आपको सेशन के लास्ट में एक बहुत कीवर्ड बताऊंगी बहुत अच्छा, जो आपके सीटेट के पेपर में बहुत फ़ायदा आने वाला है। ठीक है, इसलिए आप सेशन को पूरा ज़रूर देखिएगा। विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, भाई बच्चा एक्टिव है,
विद्यार्थियों को अवसर दिए जा रहे हैं, जहाँ बच्चा एक्टिव होगा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक या रचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है। नहीं पे ध्यान दीजिएगा, आधे लोग तो ऐसे ही को नहीं पढ़ते हैं। तो ए ऑप्शन कह रहा है आपका कि गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है, या अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं, या प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। देखिए सबसे बड़ी बात यहीं पे आ जाती, विषय परक प्रकार मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप। भाई ऑब्जेक्टिव टाइप अगर यहाँ पे एग्जाम्स आप कराने लगेंगे प्राइमरी लेवल पे, तो ये कैसे मतलब गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं माना जा सकता ना। ऑब्जेक्टिव टाइप तो यहाँ प्राइमरी लेवल पे कैसे आप करा सकते हैं। तो यही एक आपका नेगेटिव ऑप्शन जा रहा है, इसलिए आपका 18 का सी सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, कि निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक या रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका कहता है गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है। ठीक है, अच्छी बात है, सही बात है। गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए, या गणित पूर्णतया विषयपरक है, या मानदर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। भाई देखो ऑब्जेक्टिव तो है नहीं मैथ, सीधी सी बात है, और सिर्फ तथ्यों के बारे में सीखा जाए बिल्कुल नहीं है, और ये सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए, ये क्या मतलब, कोई तुक की बात ही नहीं कर रहा है। मानदर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू, मानदर्शन मतलब विजुअलाइजेशन। भाई आप विजुअलाइजेशन करके ही गणित को मतलब अच्छे से, जैसे बच्चे ने कोई चीज़ की मान लो, आप देख के ये समझ सकते हैं कि ये कहाँ पे गलती कर रहा है। विजुअलाइजेशन गणित में बहुत ज़रूरी होता है, टीचर ये देख के समझ जाएगा कि बच्चे में किस चीज़ की कमी आ रही, कहाँ पे वो गलती कर रहा है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। नंबर एक, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। देखिए यहाँ से एक बात बताती हूँ, बोतल का ऊपरी दृश्य इसी प्रकार का तो जाएगा। ठीक है, जब ये त्रिविम समझ को हमें विकसित कराना है, और ये 3D होता है आप सभी जानते हैं, 3D में ही तो आता है आपका बेलन के तरीके का कोई चित्र। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहीं से सही हो जाएगा, अगले ऑप्शन पे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की, कहता है कि गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। नंबर एक, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, या अध्यापकों के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है, या विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। सामाजिक आर्थिक मतलब सोशियो इकोनॉमिकल कैसे असर डाल सकते हैं, ऐसा तो नहीं है ना, ये तो बिल्कुल कोई तुक की बात ही नहीं किया है, और यही आपसे शायद सही नहीं पूछा था। ठीक है, यही आपका गलत ऑप्शन दिया गया है, तो 21 का आपका सी सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की, कहता है कि निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, ठीक है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं, मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं, तो आप इसको कैसे देख के क्या कहेंगे, तुलनात्मक जमा कहेंगे या तुलनात्मक घटा कहेंगे, या फिर व्यवकलित जमा कहेंगे या व्यवकलित घटा कहेंगे। मान लीजिए मेरे पास 6 पेंसिल हैं, ठीक है, ये मैं हो गई और ये मनीष हो गया, इसके मेरे पास 6 हैं, मेरे से 2 अधिक मतलब 6 में 2 आप ऐड करेंगे तो 8 हो गई। भाई हम तुलना ही तो कर रहे हैं, मेरे पास 6 हैं, मनीष के पास 8 है, मतलब मेरे से ज़्यादा हैं 2, और ज़्यादा हैं तो मतलब जमा हो रहा है। ठीक है, तो तुलनात्मक जमा इसका सही आंसर होगा, भाई इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की, कहता है कि हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एक, यह योगात्मक प्रकृति का है, ठीक है, इसकी आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। जी नहीं, आधार 2 की प्रणाली किस में यूज़ की जाती है, बाइनरी सिस्टम में यूज़ की जाती है, बाइनरी सिस्टम में आधार 2 माना जाता है, जिसमें 0 और 1 को लिया जाता है। ठीक है, हिंदू अरबी गणना प्रणाली में इसका यूज़ नहीं करते,
तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। कहते हैं कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। वांछनीय प्रक्रिया मतलब डिजायरेबल मेथड, क्या जरूरी है। ओके ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ये कहता है हमारा कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए, या अध्यापकों को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए, ठीक है, बच्चे को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए। पेडागोजी के कीवर्ड्स मैंने आपको कल के भी क्लास में बताया था कि कीवर्ड्स पकड़िए, बच्चे को प्रचुर अवसर दिए जा रहे हैं, बच्चा एक्टिव है यहाँ पे, वो खुद से चीज़ें मतलब उसको अवसर दिए जा रहे हैं कि वो खुद से चीज़ों को समझ सके, देख स्थान की अंतर्दृष्टि समझ को विकसित कर सके, अंतर्दृष्टि समझ मतलब इंट्यूशन अंडरस्टैंडिंग अपनी समझ सके, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की, जिसमें कहता है कि निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है, गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, या गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, या परिकलन में निपुणता की क्षमता, या विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। स्मरण जहाँ दिखे आपको सीधा गलत कर दीजिए। पेडागोजी आपका रोट लर्निंग पे बिल्कुल फोकस नहीं करती है, रटंत विद्या बिल्कुल नहीं देनी है, रट्टाफिकेशन नहीं लगवाना भैया, उसको समझाना है चीज़ों को। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि आयोग ने भी आंसर माना था, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब लोग देख के ऐसे डर के भाग जाएंगे, इसको इतना बड़ा क्वेश्चन उनको लगेगा कि अब नहीं होगा सॉल्व, एकदम मतलब आसान है। देखिए टमाटर के रेट दे दिए, सब्जी खरीदने जाते होंगे ना बाजार में, बस वही करना है यहाँ पे। अब सब्जी खरीदने जाते हैं, 100 रुपये का नोट दिया मम्मी ने, अब नहीं ऐड करोगे तो घर पे आके मार बजेगी, ऐसे ही यहाँ पे सवाल सॉल्व करना है। टमाटर का रेट दे दिया, आलू का दे दिया, गाजर का दे दिया, लौकी का दे दिया, मिर्च का दे दिया, नींबू का दे दिया, पूरी सब्जी का ही रेट दे दिया। अब बोल रहे हैं संजय जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, संजय जी गए मार्केट, इनने क्या किया, आधा किलो टमाटर लिए, भाई 1 किलो टमाटर हमारे कितने के हैं, 40 रुपये के, सब्जी भी बिचवा दे रही सीटेट है, 1 किलो टमाटर कितने के हैं, 40 रुपये के हैं, तो आधा किलो हमारे कितने के हो जाएंगे, 20 रुपये के। अब क्या लिया, आधा किलो टमाटर के अलावा इनने ली 1 किलो आलू लिए, आलू 2 किलो 25 रुपये के हैं, तो हमारे 1 किलो आलू कितने के बचेंगे, 25/2 कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 12.5 रुपये, ठीक है। अगली बात करेंगे कि इनने गाजर ली, हाँ गाजर ली कितनी, 250 ग्राम, और 250 ग्राम गाजर का रेट कितना है, 20 रुपये, ठीक है। और ये आधा किलो टमाटर लिए थे, 1 किलो आलू लिए थे, अच्छा आधा किलो गाजर लिए इनने, आधा किलो गाजर लिए मतलब 250 ग्राम गाजर है हमारी 20 रुपये की, तो आधा किलो कितने की हो जाएगी, 20 × 2 मतलब 40 रुपये की हो जाएगी आपकी, तो 40 रुपये की आपकी इनकी क्या हो गई, गाजर हो गई। अच्छा गाजर के बाद 250 ग्राम इनने मिर्च ली है, 100 ग्राम मिर्च 10 रुपये की है, 100 ग्राम मिर्च 10 रुपये की है, 250 ग्राम का निकालना है, 200 ग्राम कितने की हो जाएगी, 20 रुपये की हो जाएगी, 50 ग्राम कितने की हो जाएगी, 5 रुपये की, तो 25 रुपये की यहाँ से हमारी मिर्च हो गई, ठीक है। अब गाजर और मिर्च के बाद 6 नींबू खरीदे, 4 नींबू तो हमारे 10 रुपये के हैं, अब 6 नींबू कैसे निकालेंगे, 4 नींबू 10 रुपये के, 1 नींबू 10/4 का, तो 6 नींबू कितने के होंगे, 10/4 × 6, 2 × 4 = 6, 2 × 5 = 10, मतलब 15 रुपये के नींबू हो गए, सबको ऐड कर लो आंसर आ जाएगा, 0.5 आपका आखिरी में आएगा ही आएगा, और 2 × 5 = 7, 5 = 12, हाँ से लेख 1 × 1 = 2, 2 × 4 = 4, 8 × 1 = 9 और 8 × 1 = 9, 1 मिनट कुछ गलत हुआ है, 0.5 आपका पीछे आ जाएगा, और 2 × 2 = 4, 5 × 4 = 9, 5 = 14, हासिल 1, हासिल 1, 1 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 4 = 8 और 1 = 9, 1 सेकेंड इसको मैं दोबारा से लिख लेती हूँ, कुछ गलत हुआ है, चलिए यहाँ से क्या बोला था, टमाटर 1 किलो लिए, टमाटर कितने लिए थे,
टमाटर इनने लिए थे हमारे आधा किलो, 1 किलो टमाटर 40 रुपये का, तो आधा किलो हो जाएगा आपका 20 रुपये का। आलू कितने लिए हैं, 2 किलो 25 रुपये के, इनने आलू लिए हैं 1 किलो, तो हम आलू हमारे हो जाएंगे 25/2, मतलब 12.5 रुपये। ठीक है, अगला, आधा किलो गाजर लिए, 250 ग्राम गाजर का रेट है 20 रुपये, आधा किलो का क्या हो जाएगा, 20 दूनी 40 रुपये। ठीक है, 250 ग्राम मिर्च लिए, और मिर्च का रेट है आपका, लौकी नहीं खरीदी इनने, हाँ चलो छोड़ो कोई नहीं, मिर्च का रेट है 100 ग्राम 10 रुपये की, 250 ग्राम ली है, तो 100 ग्राम जब 10 रुपये की है, तो 200 ग्राम आपकी 20 रुपये की हो जाएगी, और 100 ग्राम 10 की है, तो 50 ग्राम निकालेंगे 5 रुपये की हो जाएगी, तो 250 ग्राम कितने की हो गई, 25 रुपये की हो गई। ठीक है, गाजर हो गई, टमाटर हो गए, आलू हो गए, गाजर हो गया, मिर्ची हो गई, और 6 नींबू खरीदे हैं इनने, 6 नींबू, 4 नींबू 10 रुपये के अभी बताया था आपको, तो आपके क्या कहते हैं, 6 नींबू कितने के आएंगे, तो 4 नींबू 10 रुपये के, तो 6 नींबू आए थे आपके 15 रुपये के। अच्छा, ये वाला पॉइंट मैं मिस कर रही थी, इन्होंने लिखा कि बिल क्लर्क को इनने 200 रुपये का नोट दिया था, तो इन्हें वापसी कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ से पहले ऐड कर लेंगे, फिर 200 में से माइनस कर देंगे, जो कि आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 5 तो यहाँ पे आ ही जाएगा। ठीक है, ऐड करेंगे, पॉइंट किस साइड क्या आएगा, 2, 5 और 2, 7, 5, 12, हाँ से लेक, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 8 और 1, 9 और 2, 11, 112 रुपये 50 पैसे इनके हुए हैं, जितनी भी इन्होंने सब्जी ली है। ठीक है, अब इनने क्या किया, 200 रुपये का नोट दिया किसे, बिल वाले को, 112.5 की इन्होंने ले ली सब्जी। ठीक है, अब इनका वापसी में इनको कितने रुपए मिलेंगे, तो माइनस कर दो, 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 87.5 है गई है ऑप्शन में, 87.5 ऑप्शन नंबर बी 26 का आपका सही हो जाएगा, बस गुणा भाग करना था, कुछ नहीं था। 26 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे, क्वेश्चन नंबर 27 आपका कहता है कि मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, सवाल बोल रहा है मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, दाही के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। सबसे पहले यही आप चेक कर लो, दाही के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक, 5, 7 बिल्कुल सही है, 3, 2, 3 सही है, 3, 5 सही है, 1 और 3 अभाज्य एक नहीं होती है, आपका एक ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा कहता है अंकों का योग 3 है, अंकों का योग 3 और 4 का गुणा जाए, ठीक है, अंकों का योग 3 और 4 का गुणा जाए, अंकों का योग यहाँ से कर लो, 7, 5, 12, 3, 2, 5 और 5, 3, 8, भाई इधर देखो 3 का गुणा जाए है, 4 का है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, ऑप्शन से मतलब एकदम सीधे आंसर निकाल दिया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की, क्वेश्चन नंबर 28 देखना कितना मतलब बड़ा बड़ा दिख रहा है कुछ नहीं क्वेश्चन में, अभी पढ़ के ही आप सॉल्व कर देंगे। एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चिन्हित की गई है, क्या है, 2 घंटे तक 50 रुपया लेंगे, 2 घंटे से ऊपर और 5 घंटे के बीच में 75 रुपया लेंगे जे, और 5 घंटे के पश्चात लेंगे 5 घंटे से 8 घंटे तक कितना लेंगे, 10 रुपये, कुछ शायद मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं, 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक 150 रुपये लेंगे, और 12 घंटे से ऊपर और 24 घंटे तक ये 250 रुपये लेंगे। ठीक है, राजीव ने क्या किया, सुबह 7 बजे कार पार्क कर दी, ठीक है, और शाम को 4:30 बजे लेने आया। अब देखो 7 बजे से 4:30 बजे तक कितने घंटे हो गए, ऐड करो, 7 बजे से आप 12 बजे तक जाएंगे अगर, तो कितना हो जाएगा, 5 घंटे यही हो गए और 4:30 घंटे ये हो गए, तो आपका कितना हो गया, 9.5 घंटे। अब 9.5 घंटे देख लो किस में आ रहा है, 8 घंटे से ऊपर 12 घंटे तक 150 रुपये ले रहा है, और 9.5 घंटे 8 घंटे से 12 घंटे के बीच में ही आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की, 2 सवाल बचे हैं आपके, ठीक है, और आपका सेशन खत्म होने वाला है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोही क्रम क्या कहता है, घटते हुए क्रम में, जब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे हम, तो तीसरे स्थान पर संख्या कौन सी होगी। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, 7.07 या 7.70 है ना, या 7.707 या 7.007 या 0.77, आरोही क्रम है,
बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा आपका देख पा रहे होंगे सबसे पहले तो यही आ जाएगा। ठीक है, अगला आपका आ जाएगा कौन सा इससे छोटा इससे बड़ा होगा? 7.07 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, 7.07 तो अभी इससे ही बड़ा हो जाएगा। 7.70, 7.707, हाँ इसके बाद ये आएगा 7.007, सेकेंड नंबर पे आ जाएगा। थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा 7.07। ये तो आपको पता ही होना चाहिए ना कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी नहीं है। इसमें भी अब कोई प्रॉब्लम आएगी तो कैसे काम चलेगा फिर? तो थर्ड नंबर पे आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? 7.07। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करेंगे नहीं हम लोग। भले ही सीटेट में टाइम मिलता है, 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, लेकिन समय कैसे चला जाता है आप खुद नहीं जान पाएंगे वहाँ पे। तो सवालों में इतना ज़्यादा समय देना नहीं है, जितना आप आसानी से और जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे आपके लिए ही अच्छा रहेगा। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं कि एक 5 अंकों की संख्या में दाही के अंक का स्थान 8 है, इकाई के अंक का स्थान दाही के अंक के स्थान का 1/4, या 1000 के अंक का स्थान 0 है, 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 2 गुना है, और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 3 गुना है, संख्या क्या है? देख के ही डर लग गया। चलो बताते कितना आसान है। देखो 5 अंक की संख्या है, हम मान ले रहे ऐसे पाँच पाँच हमने डॉट कर लिए। ठीक है, कहते हैं कि दाही के स्थान का अंक कितना है? दाही के स्थान का अंक 8 है, 8 हमने लिख दिया। ठीक है, अब कहते हैं इकाई के अंक स्थान का अंक दाही के स्थान के अंक का 1/4 है। अब भाई दाही का 8 था तो इकाई का निकालेंगे तो 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8/4 कितना आ जाएगा? 2। ऑप्शन देखे रहिए, यहीं से अभी सॉल्व हो जाएगा। 8 और 2 इसमें है, इसमें है, ये देखिए ये गलत हो गया। 2 ऑप्शन हमने यहीं से कट कर दिए, 2 ही लाइन हमने पढ़ के 2 ऑप्शन कट कर दिए। एकदम बढ़िया मैथ होती है, पता नहीं सब लोग क्यों डरते हैं। अच्छा अगला कहता है कि इकाई का अंक हमने निकाल लिया, दाई के स्थान का 1/4 है, 1000 के स्थान का अंक 0 है, 1000 के स्थान का हमने अंक 0 रख दिया। अब देखो 0 ऑप्शन नंबर 1 में ही है, इसमें 4 आ गया, ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताऊंगी, चिंता ना कीजिए, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 2 गुना है, इकाई का कितना है? 2। तो 100वें स्थान का अंक इकाई का 2 गुना है, मतलब 2 गुना 2 = 4 कर देंगे। अगला क्या कह रहा है? 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 3 गुना है, इकाई का अंक कितना है? 2। 10,000वें का इसका 3 गुना है तो 2 * 3 = 6, 6 आपका ये हो गया। संख्या कितनी आ गई आपकी? 64082, 64082, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो ये रहे आपके आज के सीटेट 2019 8 दिसंबर के पेपर के 30 क्वेश्चंस। होप सो कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, सब कुछ बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपकी क्वेरी एक एक सॉल्व करूंगी अगले सेशन में। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। चलिए चलते हैं, बाय।